प्यारे बच्चों, आज हम दसवीं क्लास के जो दूसरा चैप्टर है, चैप्टर दो, जिसका नाम है बहुपद, उसके एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले तो हमें क्या करना है, इसके शून्यक ज्ञात करने हैं और इसके जो शून्यक है और जो गुणांक है उनके बीच में जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो देखते हैं, हमारा इसमें जो सबसे पहले दिया हुआ है वो है एक्स स्क्वायर जमा 7x और जमा 10। तो इसके लिए हमारे पास अब आप देखेंगे जोड़, हमें क्या करना है, 7x के टुकड़े करने हैं। जोड़ हमारे पास कितना होना चाहिए, 7 और गुणा हमारे पास कितनी होनी चाहिए, इसकी और इसकी गुणा करनी है। यहां से तो हमारे पास 10 है और x स्क्वायर के साथ लगा हुआ है 1, तो 10। तो हमें ऐसे दो टुकड़े सोचने हैं जिनका जोड़ तो 7 बने और जिनकी गुणा 10 बने। अब देखो 5 और 2 7 होता है और 5 दूनी 10 होता है, तो हमारे पास टुकड़े क्या बन गए, 5 और 2। तो हम इस 7x की जगह पे ये लिखेंगे, यानी कि इनके साथ x लगा के लिख देंगे, तो 7x की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 5x जमा 2x। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर जमा 5x जमा 2x। तो इस 7 के ही हमने टुकड़े किए हैं और प्लस का 10। अब इन दोनों में से देखें x कॉमन आ जाएगा, तो हमने x कॉमन निकाल दिया, अंदर x रह गया क्योंकि x स्क्वायर था, यहां x बाहर चला गया तो 5 रह गया, प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन आ गया, तो यहां x रह गया और 2 × 5 = 10, 5 रह गया। ध्यान रखेंगे क्योंकि कॉमन जब निकाल लेते हैं जो अंदर टर्म बचेगी वो दोनों एक जैसी होंगी, इस बात का ध्यान रखें, अगर वो दोनों एक जैसे नहीं है तो आपने कोई ना कोई स्टेप गलत किया है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अब देखो दोनों में x प्लस 5 है, तो हम x प्लस 5 को कॉमन निकाल लेते हैं, यहां से x प्लस 5 बाहर चला गया तो क्या बच गया, x, यहां से बाहर चला गया तो क्या बच गया, 2। तो ये आ गया हमारे पास। शून्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, x प्लस 5 को 0 के बराबर अलग से रख देते हैं और x प्लस 2 को भी 0 के बराबर अलग से रख देते हैं। यहां से हमारे पास x का मान कितना आ जाएगा, -5, ये प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5 हो गया, और यहां से x का मान कितना आ जाएगा, ये प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2। तो हमारे पास शून्य आगे एक तो आ गया -5 और एक -2, तो ये हमारे शून्य का है। अब उसने क्वेश्चन को आगे बढ़ाया और कह रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमने ये दोबारा लिखी एक्स स्क्वायर जमा 7x जमा 10, और जो हमारा बहुपद होता है, सामान्य जो बहुपद होता है उसको हम लिखते हैं ax स्क्वायर जमा bx जमा c। तो यहां से a का मान कितना हो जाएगा, a का मान x स्क्वायर के साथ लगा हुआ 1, तो a का मान 1, b का हमारे पास मान कितना हो जाएगा, 7, और c का हमारे पास मान कितना हो जाएगा, 10। तो ये a b c का मान है। अब देखो शून्यकों का योगफल, अब हमारे पास शून्य आए कितने हैं, -5 और -2, तो इनका योगफल करेंगे तो -5 + -2, तो देखो ये -5 और -2 कितना हो गया, -7। लेकिन शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, माइनस बी का मान कितना है, 7/a, a का मान कितना है, 1, -7/1 तो कितना आ गया, -8, तो सही है, सेम आ गया, संबंध बन गया इनके बीच में। इसी तरह से शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अब ये एक तरीके से ऐसे निकालेंगे, -5 इसकी गुणा करनी है किसके साथ, -2 के साथ, -2 तो प्लस हो गया, 5 × 10, और फॉर्मूला क्या कहते हैं, c/a, c का मान हमारे पास कितना है, 10, और a का मान कितना है, 1, तो यहां से भी कितना आ गया, 10। तो
तो ये सेम हो गया हमारे पास। तो ये है जो इनके बीच में जो संबंध है उसकी हमने सत्यता की जांच कर दी, क्योंकि हमने कहा है कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस बी बटा ए। तो उसको जब सोल्व किया और हमने अपने शून्यकों का योगफल करके देखा तो यही आया। इसी तरह से शून्यकों का गुणनफल हमने कहा सी बटा ए, लेकिन हमने गुणनफल निकाल के देखा तो वो दोनों सेम आए। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो ये एग्जाम के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और देखते हैं इसी तरह से, इसमें हमने सारे प्लस के लिए हैं तो दूसरे पार्ट में हमने माइनस कर लिया है। इसी तरह से हमारा दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में है एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स और माइनस के आठ। तो यहां से जोड़ इसका कितना होना चाहिए, जोड़ होना चाहिए माइनस दो और गुणा होनी चाहिए माइनस आठ और एक्स स्क्वायर के साथ एक लग रहा है तो माइनस आठ। तो अब ऐसे दो टुकड़े सोचने हैं हमें जिनका जोड़ तो माइनस दो बने और गुणा बने आठ। अब गुणा के बारे में सोच लें, आठ चार दूनी आठ, चार और दो चार दूनी आठ लगेंगे माइनस के। दूसरी बात इनका जोड़ कितना बन गया छह, हमें जोड़ कितना चाहिए माइनस दो, तो मैं इसको माइनस का कर देता हूं, हमारे दोनों ही काम होंगे। अब देखो इन दोनों का जोड़ोगे तो माइनस के चार है, प्लस के दो है तो माइनस के दो बच जाएंगे, गुना करेंगे चार दूनी आठ और ये माइनस आ गया तो माइनस आठ हो जाएगा। तो बिल्कुल सही हो गया हमारे पास। अब हम इसको किसकी जगह पे लिख देंगे, माइनस दो एक्स की जगह पे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस का चार एक्स और प्लस का दो एक्स और माइनस के आठ। अब इसमें से हमारे पास एक्स कॉमन आ गया, अंदर आ गया एक्स माइनस चार, प्लस यहां से हमारे पास दो कॉमन आ गया, अंदर आ गया एक्स माइनस चार, तो ये एक्स माइनस चार हो गया और ये एक्स प्लस दो हो गया। तो एक्स माइनस चार बराबर है जीरो, तो एक्स का मान कितना आ गया चार, और एक्स जमा दो बराबर है जीरो, तो एक्स का मान कितना आ गया माइनस दो। तो हमारे पास शून्य का आ जाते हैं, शून्य का आ गया हमारे पास, एक तो आया चार और एक आया माइनस दो। अब इसकी जांच करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स माइनस आठ, इसको लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उस हिसाब से ए की वैल्यू कितनी हुई एक, बी की वैल्यू कितनी हुई माइनस दो और सी की वैल्यू कितनी हुई माइनस आठ। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, पहले एक तरीके से निकाल लेते हैं, योग करना है चार प्लस और माइनस के दो, तो ये हो जाएगा चार माइनस दो कितना आ जाएगा दो। लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से क्या होता है, शून्यकों का योगफल माइनस बी बटे में ए, माइनस बी का मान माइनस दो, ए का मान एक, माइनस माइनस प्लस हो गया तो दो बटे में एक कितना आ गया दो, सेम आए दोनों, ठीक है। इसी तरह से शून्यकों का गुणनफल क्या होता है सी बटे में ए, ये तो फॉर्मूले के हिसाब से होता है। पहले हम अपने तरीके से निकालते हैं गुणनफल, चार गुणा में माइनस दो, चार दूनी आठ माइनस आ गया, और फॉर्मूले के हिसाब से क्या होता है सी बटे में ए, सी का मान कितना है माइनस आठ और ए का मान कितना है ए, तो ये कितना हो गया माइनस आठ, तो ये भी सही आ गया, ठीक आ गया। तो ये हमारे बीच में जो संबंध है इनके शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध है उनकी सत्यता की भी जांच हमने कर दी है। तो ये दूसरे तरह का क्वेश्चन था जिसमें हमने माइनस भी ले लिया था। तीसरे तरह के क्वेश्चन में देखो हम क्या करते हैं, हमने एक्स स्क्वायर का गुणांक भी ले लिया है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी ले लिया है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ लगा हुआ है। इसमें क्वेश्चन है हमारे पास छह एक्स स्क्वायर माइनस तीन माइनस सात एक्स। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक करके लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के सात एक्स और माइनस तीन, माइनस का सात एक्स आगे लिखा। अब देखो जोड़ कितना होना चाहिए, जोड़ होना चाहिए माइनस का सात और गुणा कितनी होनी चाहिए, गुणा होनी चाहिए माइनस तीन गुणा में एक्स स्क्वायर के साथ लग रहा है छह, तो छह की अठारह तो यानी कि माइनस के अठारह। तो अब दो ऐसे टुकड़े सोचने हैं जिनका जोड़ तो माइनस सात हो और गुणा माइनस अठारह हो। आप गुणा के बारे में सोचें फिर उसको बैलेंस कर ले, अठारह छह की अठारह होता है, छह और तीन को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो सात के पास नहीं पहुंचता, नौ दूनी भी अठारह होता है, नौ को जोड़ेंगे घटाएंगे सात के पास पहुंच जाएगा। हाँ तो हम क्या ले लेते हैं,
9 और 2 ले लिया हमने, अब 9 और 2 की गुणा करेंगे तो 9 दुनिया 18, ये माइनस का था, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 11 बनेगा, तो हम क्या करते हैं इसको माइनस का कर देते हैं। अब देखो इनकी गुणा कितनी होगी, इनकी गुणा करेंगे तो माइनस के 18 बन गए, और इनको जोड़ेंगे तो माइनस के 9 और प्लस के 2 है, तो माइनस के 7 रह जाएंगे, तो बिल्कुल सही होगा, अपने आप बैलेंस हो जाएंगे इस तरह से। तो हम लिख देंगे 6x2, इसकी जगह पे लिखना है माइनस 8x की जगह, तो माइनस 9x और प्लस के 2x और माइनस 3, तो इसमें से कॉमन निकालते हैं, 3 के पार्ट में 6 भी आता है और 9 भी आता है, 3 कॉमन आ गया और 1x तो कॉमन आएगा ही आएगा, 3 दूनी 6, 2 रह गया, 1x रह गया, माइनस 3 3 9 ये आ गया हमारे पास, प्लस ये ऐसे लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि जैसा ये बनेगा ऐसे ही ये बनना चाहिए, तो ये बना ही बना पहले ही बना हुआ है, तो अब हम क्या करते हैं 2x माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं, यहां से कितना आ गया 3x प्लस, ये सारा का सारा बाहर चला गया, तो यहां इसकी जगह पे कितना आ गया 1, ध्यान रखेंगे 1 लिखेंगे 0 नहीं लिखेंगे, कॉमन निकाला है हमने, तो इतने से इसकी गुणा करेंगे तो वापस वही बन जाएगा, तो इसमें जब ये सारा ही कॉमन बाहर चला गया तो इसकी जगह पे 1 आ जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं 2x माइनस 3 को 0 के बराबर रखते हैं, तो 2x बराबर है 3, x बराबर है 3 बटा 2, यहां से 3x जमा 1 बराबर है 0, 3x बराबर है माइनस 1, x बराबर है माइनस 1 बटा 3, तो ये हमारे पास शून्य का आ जाते हैं, शून्य का आ गया हमारे पास कौन कौन से, एक तो आ गया 3 बटा 2 और एक आ गया माइनस 1 बटा 3, तो ये हमारे पास शून्य का आ गया इसके। अब जांच करते हैं, हमारे पास है 6x² माइनस 7x माइनस 3, तो इसको कंपेयर करेंगे ax² जमा bx जमा c के साथ, तो a का मान तो हमारे पास 6 है, b का मान माइनस 7 है और c का मान माइनस 3 है, तो शून्य को का योगफल, शून्य को का योगफल योग कर दो इन दोनों का, 3 बटा 2 जमा माइनस 1 बटा 3, तो ये हो जाएगा 3 बटा 2 माइनस 1 बटा 3, तो ये हमारे पास इसका एलसीएम 6 आ गया, जब इसकी 6 के साथ गुणा करेंगे 2 3 6, यहां पे कर लेते हैं इन दोनों का 2 और 3 का एलसीएम 6 आ गया, तो 3 बटा 2 की जब हम 6 के साथ करेंगे 2 1 2 2 3 6 3 3 9 हो जाएगा, माइनस 1 बटा 3 की जब 6 के साथ करेंगे तो 2 1 2 2 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया कितना 9 माइनस 2 7 7 बटा 6, शून्यों को का योगफल आ गया, और फॉर्मूला क्या कहता है माइनस बी बटे में ए, माइनस बी का मान माइनस 7 है और ए का मान 6 है, तो माइनस माइनस प्लस 7 बटे 6, तो बिल्कुल सही आया हमारे पास। इसी तरह से शून्यों का गुणनफल देखते हैं, शून्यों का गुणनफल है हमारे पाद सी बटे में ए, ये बाद में कर लेते हैं पहले इनकी गुणा कर लेते हैं, 3 बटा 2 गुना में माइनस 1 बटा 3 ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो 3 3 पे कट गया ये कितना रह गया माइनस का 1 बटा 2, और फॉर्मूला क्या कहता है c बटे में a, तो c का मान माइनस 3 और a का मान 6, 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो कितना आ गया माइनस 1 बटा 2, तो ये भी हमारा बराबर है। तो ये हमने संबंध की शून्य को और गुणांकों के जिसके लिए संबंध है उसकी सत्यता की जांच भी कर दी है। तो ये था हमारा चैप्टर 2 में एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्यारे बच्चों आप इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा, नए नए क्वेश्चन आप लेते रहें और उनकी प्रैक्टिस करते रहें। मैंने क्या था तीनों ही तरह से, जैसे प्लस वाला भी ले लिया, माइनस वाला भी ले लिया, और एक्स स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट वाला है वो वाला भी ले लिया, तो सारी तरह के क्वेश्चन इसमें कवर कर दिए हैं। अब जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उनकी उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा। टुकड़े बनाते वक्त आप अपने दिमाग में गुणा के बारे में सोच लें और फिर उसको बैलेंस कर लें कि किसके साथ प्लस लगाना है किसके साथ माइनस लगाना है, उसके हिसाब से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।